सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों आप सभी को मेरी राम 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 राम। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। 1994 में हमारी शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार, और उनके पिताजी वहां एक नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो शिवानी गांव में हुआ, उनकी परवरिश शिक्षा सब कुछ हिसार में हुआ। आप सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। और एक बात, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ, और हैरानी की बात है कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये तो महज इत्तेफाक नहीं है, मुझे तो लगता है भगवान जी जरूर अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। वरना हरियाणा के गांव में पैदा हुआ एक लड़का पला हिसार में हरियाणा में और जाकर दिल्ली का सीएम बन गया। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं, पहले पार्टी बनाई खुद की और पहले ही चुनाव में पहली ही बार में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। अरविंद जी को उनके काम की वजह से ही देश में दुनिया में सब लोग जानते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है, दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए आपके बेटे ने, शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया, इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी स्कूल सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां दवाइयां फ्री मिलती है, इलाज अच्छा होता है, बिजली यहां पे भाई साहब ने बताया इतनी महंगी बिजली है, बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी, इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे वहां पर, और महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया, और अब जल्दी ही महिलाओं के लिए माताओं के लिए बहनों के लिए हर महीना हर हजार हजार रुपया देंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूं, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल।
सब काम नहीं होते, अस्पताल, बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है, मैं कहती हूं मोदी जी अगर केजरीवाल जी चोर है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आपके बेटे को मोदी जी ने जेल में नहीं डाला, हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब कर लो जो करना है। मैं भी हरियाणा की बहू हुई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप सब चुपचाप ये सहते रहेंगे, देखते रहेंगे आपके बेटे को जेल में डाल दिया? आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से हैं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ दिया, गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है, आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा? आप अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। है अब आप बताइए, आप सब टैक्स देते हैं, जानते हैं ये बात? जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर। तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। सोना में खेल का स्टेडियम है सोना में, लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है, क्या फायदा स्टेडियम का? सरकारी कॉलेज नहीं है, भाई साहब ने अभी बताया, बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? और मुझे पता चला आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है आपको, सबको इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल को पैसे नहीं देती। तो क्या फायदा इन सब चीजों का, क्या फायदा कार्ड का? आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी हैं, जो दिल्ली और पंजाब में अभी लागू है। आपको मैं 5 गारंटी आपके बेटे की बताती हूं। पहली गारंटी, हर घर की घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं लगेगा, दिल्ली पंजाब में कोई पावर कट नहीं लगता,
की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, पास पास मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, सरकारी अस्पताल अच्छे किए जाएंगे। तीसरी गारंटी, हर सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा जहां अच्छी शिक्षा होगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना हजार हजार रुपया मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, इन सब की खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली, पंजाब बदला, अब आपको उन्हें अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है, देंगे। हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे, बनाएंगे। जोर से ऊपर हाथ उठा के आप सभी को वोट देना है। झाड़ू पर आप अपने आसपास लोगों को जाकर बताएंगे, बताएंगे ना।